पुलिस शब्द ग्रीक भाषा के शब्द पुलिसिया तो बनया है। इंग्लिश दे विच इसनू पुलिस कहा जाता है। पुर्तगीज भाषा दे विच ग्रीक भाषा की तरह इसनू पुलिसिया ही कहा जाता है। जर्मनी की भाषा दे विच इसनू पुलिसिया ते डेनिश भाषा दे विच इसनू पोलाइटी कहा जाता है। पर इन्हां सारे शब्दों का एक ही अर्थ है। ग्रीक भाषा दे विच पुलिस का जिहड़ा मतलब हुंदा सी उसका मतलब हुंदा सी राज ते सरकार का शासन। पुलिस शब्द की वरतों सब तो पहला 14वीं सदी दे विच कीती जाण लगी सी। हालांकि चाहे यह शब्द की वरतों भावें पहली बार 14वीं सदी दे विच होई होवे, पर पुलिस वर्गी संस्था हर देश दे राज दे विच हजारां साल पहला तो ही मौजूद है, क्योंकि यह देश जां राज दे विच अंदरूनी अपराधां नूं रोकण वाली एक सेना हुंदी सी। इंडिया दे विच भी पहला दे समें पुलिस नूं सैनिक कहा जांदा सी। हुण जेकर असीं इंडिया वर्गे देश की गल करिए तां इत्थे पुलिस तों लोक थोड़ा बहुता जरूर डरदे हन। भारत सरकार दे कई सारे विभाग ने जिन्हां दे विचों इक विभाग पुलिस है। गल बिल्कुल सच है कि भारत सरकार के जिन्हें भी विभाग या कही जिन्हें भी डिपार्टमेंट ने उन्होंने बहुत वड्डे वड्डे घोटाले हुए हैं, पर इंडिया का पुलिस विभाग या कही पुलिस डिपार्टमेंट अजिहा है जिसके उपर अज तक भी किसी वड्डे घोटाले का इल्जाम नहीं लग्या। इंडिया के कुछ अजिहे डिपार्टमेंट ने जिन्हों के उपर लोग काफी ज्यादा यकीन करते हैं, जिमें कि जुडिशरी और चोन विभाग। इतने यह सवाल खड़ा होंगे है कि इस तरह ही यह पुलिस विभाग है पर लोग इसके उपर यकीन क्यों नहीं करते। यह सारिया चीजा जानने के लिए सानू इंडिया की पुलिस का इतिहास फरोलना पवेगा। जेकर इतिहास गल करिए इंडिया दे विच पुलिस काफी पहला तो ही मौजूद सी। जदों ब्रिटिश इंडिया दे विच आउंदे ने उस समय भी इंडिया दे विच पुलिस मौजूद सी। ब्रिटिश शासन दे विच पुलिस विभाग का सारा कंट्रोल ब्रिटिश दे कोल सी। इंडिया दे इतिहास दे विच एक समा अजिहा भी आया सी जदों भारतीय पुलिस दे अफसरां ने अपने उपर जाने के इंडिया दे उपर शासन कर रहे ब्रिटिश दे विरुद्ध बगावत शुरू कर दित्ती सी। सौखी भाषा दे विच कहिए तां उस समय दी पुलिस ने अपने देश दी जनता दे लई हकूमत दे विरुद्ध लड़ाई शुरू कर दित्ती सी। इह समा सी 1857 दा। इह उही 1857 दा विद्रोह सी जदों मंगल पांडे अते होर देशभक्त इंडिया दी जनता दे लई अपनी ही सरकार भाव कि अंग्रेजां दे विरुद्ध लड़े सन। जदों इह घटनाक्रम जाने के जदों इह विद्रोह उठिया तां उस तों बाद अंग्रेजां ने इह सोच लिया सी कि उस तों बाद इह कदे भी फ्यूचर दे विच अजिही घटना नहीं होण देणगे, इह घटना भविख दे विच ना होवे। इस लई अंग्रेजां ने 1861 दे विच इक अजिहा एक्ट लियांदा। इस एक्ट दे अनुसार पुलिस दा काम लोकां दी मदद करना नहीं बल्कि उन्हां नूं दबाउणा ते उन्हां नूं कंट्रोल करना सी। अंग्रेजां ने इह एक्ट नूं इस तरह बणाया कि पुलिस दे उपर सरकार दा हमेशा कंट्रोल बनिया रहे। हालांकि अंग्रेजां ने यह एक्ट अपने देश इंग्लैंड दे विच लागू नहीं किया सी, क्योंकि जेकर यह एक्ट इन्ना ही ज्यादा वधिया हुंदा तां उह इस नूं अपने देश दे विच भी लागू करदे। ते 1861 तों लैके हुण तक यही कानून चलदा आ रहा है। 1947 तों बाद देश आजाद तां होया ते अंग्रेज वापस भी चले गए, पर यह एक्ट नूं नहीं बदलिया गया, क्योंकि इस एक्ट दे अनुसार पुलिस तों जिहड़ियां चीज़ अंग्रेज भालदे सन उही चीज़ साडे देश दे लीडर भालण लग गए। साडे देश दे लीडरां ने भी पुलिस दे राहीं लोकां दे उपर कंट्रोल करना जारी रखिया। अंग्रेजां दे जाण तो बाद पुलिस दे उपर पूरे दा पूरा कंट्रोल साडे देश दे नेतावां जां कहीए लीडरां दा है। उन्हां दे हाथ ही पुलिस दीआं बदलियां ते तरक्कियां हन। इस करके ही साडे चुणे होए लीडर पुलिस विभाग नूं आसानी दे नाल कंट्रोल कर लैंदे हन, जदके चोन डिपार्टमेंट अते जुडिशरी विभाग दे विच इन्हां दे अफसरां दीआं बदलियां किसे भी तरां दे नाल नेतावां दे हाथ दे विच नहीं हुंदियां। इस करके दोन्हें विभाग ज्यादा आत्म निर्भर हुंदे हन ते इन्हां दे उपर लीडरां दा कंट्रोल नहीं हुंदा है। इन्हां दे उल्ट साडे पुलिस डिपार्टमेंट दे उपर हमेशा नेतावां दा प्रेशर बणिया रहिंदा है ते इह पुलिस दा प्रेशर पुलिस तों हुंदा होया आम जनता दे उपर भी आउंदा है। अजिहा बिल्कुल भी नहीं है कि पुलिस दे ए सिस्टम नूं बदल दी कोशिश नहीं कीती गई। साडे देश दे लीडरां जां कहिए नेतावां दा पुलिस दे उपर कोई दखल नहीं होना चाहीदा। इस चीज नूं लै के यूपी दे एक्स डीजीपी प्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट दे विच इक रिट भी पाई सी। इस तों बाद सुप्रीम कोर्ट ने उहनां दी रिट नूं एक्सेप्ट भी कर लिया ते उह केस भी जित गए। साल 2006 दे विच अदालत ने इह चीज कही भी कोई भी राजनीतिक दखल पुलिस विभाग दे उपर नहीं होना चाहीदा। कागजां दे विच तां इह चीज नूं सारिआं ने एक्सेप्ट कर लिया, पर ग्राउंड लैवल दे उपर इह चंगी तरह दे नाल लागू नहीं होया। जेकर हुण साडे देश दे पुलिस विभाग जां पुलिस डिपार्टमेंट दी गल करिए तां इन्हां नूं कोई भी छुट्टी नहीं हुंदी ते उह हमेशा प्रेशर दे विच रहि के अपनी ड्यूटी करदे हन। तकरीबन सारे ही पुलिस मुलाजमां दे उपर काम दा बहुत ज्यादा लोड हुंदा है ते उह हमेशा प्रेशर दे विच रहि के ड्यूटी करदे ने। हालांकि हुण अजिहा चाहीदा है कि पुलिस डिपार्टमेंट दे उपर किसे भी तरह दा कोई बोझ नहीं होना चाहीदा। जेकर हुण आपां पुलिस विभाग तों उपर दी गल करिए तां इक इंटरनेशनल पुलिस भी हुंदी है जिस नूं इंटरपोल कहा जांदा है। इंटरपोल दा फुल मतलब हुंदा है इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। 20वीं सदी की शुरुआत दे विच इंटरपोल वर्गी संस्था की स्थापना करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया सी। खास करके यूरोप दे लई तां बहुत ज्यादा जरूरी हो गया सी, क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत दे विच यूरोप 3 दर्जन तों भी वध देशां दे विच वंडिया होया सी। मतलब कि जेकर कोई इंसान बेल्जियम दे विच अपराध करदा सी तां उह कुझ ही घंटिआं दे विच अपना देश छड्ड के दूजे देश दे विच भज सकदा सी। इही हाल यूरोप दे बहुत सारे देशां दा भी सी। उपर दी पहले विश्व युद्ध तों बाद यूरोप दे विच अपराध भी काफी ज्यादा वध गए सन। इस लई इन्हां अपराधां नूं रोकण दे लई आस्ट्रेलिया देश दे पुलिस विभाग
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੈੱਡ ਜੌਨ ਸੋਬਰ ਨੇ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਫੜ ਸਕਣ। ਤੇ ਜੌਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਟਰਪੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੈੱਡ ਬਣੇ ਜੌਨ ਸੋਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1923 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1938 ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਆਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਰਲਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਅੱਜ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲਿਓ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਇੰਟਰਪੋਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਦੇਸ਼ 194 ਹਨ। ਅੱਜ ਇੰਟਰਪੋਲ ਇਕੱਲੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 194 ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਰੋਚਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਜੋ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਪੇਜ ਜੋ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।